हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं युगा की तरफ से हेक्सा शील्ड मास्क के बारे में। और ये मास्क के बारे में सबसे पहले हम एमआरपी जान लेते हैं। तो एमआरपी इसका 1500 रुपये था, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसका पैक ऑफ 6 बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में 910 रुपये में परचेस किया। और अगर आप भी इसका ऑन डेट डिस्काउंटेड प्राइस जानना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहली बात है कि ये मास्क रीयूजेबल हैं और वॉशेबल हैं, सिंपल हैंड वॉश इनको किया जा सकता है। और इन मास्क की पैकेजिंग की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इस तरीके की पैकेजिंग के अंदर आते हैं। बहुत ही अच्छे से सैनिटाइज करके इसकी पैकेजिंग यहाँ पर की गई है। और इसके जो फैब्रिक है उसके अंदर काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे, और उनमें से कुछ ऐसे कलर ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हर किसी ड्रेस के साथ में चल जाएं। और साथ में ये ऑफिस में या किसी फॉर्मल ड्रेस के साथ में बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो मैंने कुछ इस तरीके के डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं। ये अर्थ ब्राउन कलर है, ये ब्लू का ही एक शेड है, ये नेवी ब्लू है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लू के काफ़ी सारे, ये डेनिम ब्लू कलर इसमें दिया हुआ है, और इस तरीके का एक और ब्लू कलर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। अब इन सब मास्क को अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर इसका बहुत ही यूनिक डिज़ाइन हमको दिखाई देता है। अब तक मैंने जितने भी मास्क का यूज़ किया उन सब में फैब्रिक या उसके डिज़ाइन को लेकर के एक तरीके का इनोवेशन उसमें दिखाई कम पड़ता था, लेकिन इस मास्क के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है। और यहाँ पर इसको 3 लेयर के अंदर यहाँ पर इसको स्टिच किया गया है। तो यहाँ पर पहला इसका लेयर ये वाला है, सेकेंड जो चिन को कवर करेगा वो यहाँ पर लेयर है, और इसका थर्ड लेयर जो ऊपर की तरफ है वो ये वाला है। और इस लेयर के अंदर एक बहुत अच्छा यहाँ पे नोज़ क्लिप दिया हुआ है, और ये नोज़ क्लिप से यहाँ पर हमारी नोज़ कवर हम कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ इसके फैब्रिक के बारे में। तो हेक्सा शील्ड मास्क इसका नाम है, मतलब कि इसके अंदर 6 लेयर्स दी हुई हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कॉटन फैब्रिक का बना हुआ है, वो कोर्स पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करता है। फिर इसके अंदर जो सेकंड लेयर है वो 4 तरीके की लेयर्स को मिलके बनी हुई है। उसके अंदर 2 स्पन बॉन्ड की लेयर और 2 मेल्ट ब्लोन की लेयर को एक तरीके से उसको गूंथ करके और वो लेयर तैयार की गई है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। और काम उसका ये है कि वो ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन और साथ ही साथ बैक्टीरियल और पार्टिकल फिल्ट्रेशन का काम करती है। और इसकी जो सबसे अंदर की लेयर है वहाँ पर एक बहुत अच्छे कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया गया है, जो कि स्किन फ्रेंडली है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अब हम इसको वियर करके देख लेते हैं। तो वियर करने के बाद में यहाँ पर आपको युगा का स्टिकर यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसको वियर करने के बाद में इधर कुछ लूप्स दिए गए हैं जिनसे आप अपने फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ इसका फिट कर सकते हैं। अब साइज़ ये फिट हो गया है, उसके बाद में यहाँ पर नोज़ क्लिप यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको इस तरीके से करके आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग भी ग्लासेस वगैरह पहनते हैं तो नोज़ क्लिप होने की वजह से फॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करूं अंदर के इसके फैब्रिक की तो काफ़ी कंफर्टेबल है, वो बहुत ही स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है। और इसका जो फिटिंग है वो कुछ इस तरीके से आता है कि इसका जो बीच का लेयर है वो इस तरीके से हमारे फेस को कवर करता है, और नीचे चिन एरिया पर और नोज़ एरिया पर इस तरीके से 3 लेयर्स के अंदर इसको स्टिच किया गया है। बात करूं इसके ईयरबैंड की या इसके जो रबर्स हैं उनकी तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पर इनमें ये लूप्स दिए हुए हैं जो कि साइज़ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। जब मैं इसको ऑनलाइन परचेस कर रही थी तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था कि इसके जो रबर बैंड है वहाँ पर यहाँ पर जो ये लूप है वो थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा बड़ा है और कम्फर्टेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ।
ये बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर ये लूप यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर ये इसको अटकाने के लिए यहाँ पर एक रिंग भी दी हुई है, जिससे कि बार बार ये निकलता नहीं है और हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये मास्क का जो डिज़ाइन है, साथ ही साथ इसके अंदर जो 6 लेयर की प्रोटेक्शन है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका यूनिक 3D डिज़ाइन, हेक्सा शील्ड टेक्नोलॉजी और 95% से ज़्यादा की बैक्टीरियल और पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन रेट, और साथ ही साथ इसका अर्गोनॉमिक और एफिशिएंट डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका जो इनर मोस्ट लेयर है वो इस तरीके की स्किन फ्रेंडली क्लोथ फैब्रिक का बना हुआ है, जो कि मॉइस्चर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जो कि हमारे गर्मियों में ऑब्वियस है, अगर हम मास्क लगाएंगे तो पसीने आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और ब्रीदिंग रिलेटेड भी कई बार हमको प्रॉब्लम होती है ड्यू टू मास्क की लेयर्स। और जितनी ज़्यादा मास्क की लेयर बढ़ती जाती है, हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें जो इसकी सेफ्टी है, इसकी 6 लेयर सेफ्टी इसमें दी हुई है, साथ ही साथ इसका जो अंदर का फैब्रिक है जो कि मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है, और फॉगिंग की समस्या जो कि इसके नोज स्लिप नहीं होने देते हैं, और इतनी सारी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। सेफ्टी के साथ साथ में ट्रेंडी और बहुत ही क्लासिक डिज़ाइंस इसमें आते हैं, तो मुझे ये मास्क काफ़ी अच्छे लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।